दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय प्रिंट मोगो, जहां आपको मिलता है ऑल टाइप कॉर्पोरेट प्रिंटिंग सॉल्यूशन लाइक टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, स्टिकर प्रिंटिंग इत्यादि। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं रूबी नेगी, और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड्डे की सबसे ताजा खबर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर आ रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की राह में अब एक और पार्टी रोड़ा बनती जा रही है। अखिलेश यादव और मायावती के बाद अब ममता बनर्जी ने कहा कि यह वक्त नहीं है, चुनाव के बाद सभी पार्टियां मिलकर जो भी तय करेंगी वही होगा। और मिड्डे की अगली ताजा खबर अगस्ता वेस्टलैंड मामले को लेकर आ रही है, जहां वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड खरीद मामले में गिरफ्तार ब्रिटिश बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को लेकर सीबीआई ने इटली से प्राप्त एक फैक्स के जरिए दावा किया कि मिशेल ने इस डील के लिए पूरी यूपीए कैबिनेट को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश की थी। इसके अलावा जांच एजेंसी ने यह भी खुलासा किया कि उस समय मिशेल को वित्त और रक्षा मंत्रालय में होने वाली फाइलों के मूवमेंट के बारे में पूरी जानकारी थी। इससे इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक घर कर चुका था। और मिड्डे की अगली ताजा खबर दिग्विजय सिंह को लेकर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी के साथ ही प्रदेश सरकार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर मेहरबान हो गई है और उन्हें दोबारा वह बंगला आवंटित हो गया है जो पहले शिवराज सिंह सरकार से खाली करवा लिया गया था। और मिड्डे की अगली ताजा खबर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर आ रही है, जहां बॉलीवुड के डायलॉग और वन लाइनर के फेमस मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र बघूनी के एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान की मूवी टाइगर जिंदा है का डायलॉग मारते हुए लोगों को आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। और मिड्डे की अगली ताजा खबर विपक्षी महागठबंधन को लेकर आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में 2019 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों ने गठबंधन को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। माना जा रहा है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला इस तरह से तय हुआ है कि एसपी और बीएसपी लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होने की स्थिति में उन्हें सिर्फ 2 ही सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा इस गठबंधन में अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल को वेस्ट यूपी में 3 सीटें मिल सकती है। और मिड्डे की अगली ताजा खबर किसान कर्ज माफी को लेकर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी किसानों के कर्ज माफी की घोषणा कर दी है। राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों का 2,00,000 तक के कर्ज माफी की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद सरकार को 18,000 करोड़ का कर्ज उठाना पड़ेगा। और मिड्डे की अगली ताजा खबर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर आ रही है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी का गुरु नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने बेटे का भी गुरु नहीं हूं। वहीं एमपी चुनावों में अपनी उपस्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि वो उस दौरान गर्दिश में चल रहे थे, इसीलिए कहीं नजर नहीं आए। और मिड्डे की अगली ताजा खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आ रही है, जहां बुलंदशहर मामले में कार्रवाई करने में कथित रूप से विफल रहने पर 83 पूर्व नौकरशाहों ने एक समूह ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए एक खुला पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि इन नौकरशाहों ने सरकार पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया है। और मिड्डे की अगली ताजा खबर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को लेकर आ रही है, जहां आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आईआरसीटीसी घोटाले मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान लालू को अग्रिम जमानत दी है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। और मिड्डे की अगली ताजा खबर टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी को लेकर आ रही है, जहां प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे तेलुगु देशम पार्टी के सांसद वाईएस चौधरी ने वकील के माध्यम से ईडी पर करीब 8 घंटे तक लगातार पूछताछ के दौरान खाना नहीं देने का आरोप लगाया है। वहीं सांसद के इन आरोपों से अदालत ने मानव अधिकार का उल्लंघन कहा है। हालांकि ईडीपी आरोपों ने इनकार करते हुए कहा कि सांसद को खाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। और मिड्डे की अगली ताजा खबर मोहम्मद अली जिन्ना के मुंबई आवास को लेकर आ रही है, जहां पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना के मुंबई स्थित घर को अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल सेंटर बनाने की कवायद फिर से तेज हो गई है। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर ऐलान किया है कि जल्द ही जिन्ना के आवास को कल्चरल सेंटर में बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए बीजेपी के विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने सुषमा स्वराज को खत लिखकर जिन्ना हाउस को कल्चरल सेंटर में तब्दील करने की मांग की थी। लोढ़ा की यह दलील थी कि जिन्ना का यह घर भारत के विभाजन की याद दिलाता है। और मिड्डे की अगली ताजा खबर उत्तर कोरिया को लेकर आ रही है, जहां परमाणु निरस्त्रीकरण के मामले में उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है। उत्तर कोरिया ने इस मामले में दो टूक कहा कि वह एक तरफा कार्रवाई करते हुए अपने परमाणु हथियारों को नहीं त्यागेगा। उत्तर कोरिया चाहता है कि पहले अमेरिका उसके ऊपर से परमाणु खतरे को खत्म करे।
और मिड डे की अगली ताजा खबर असम से आ रही है, जहां असम सरकार की 600 करोड़ रुपए की आंशिक कृषि कर्ज माफी की योजना की घोषणा के एक दिन बाद प्रदेश के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने इस मामले में यू टर्न लेते हुए कहा कि यह सब्सिडी योजना है, न कि कृषि कर्ज माफी। उन्होंने कहा कि इससे करीब 4 लाख किसानों को फायदा होगा और करीब 500 करोड़ रुपए की लागत इस पर आएगी। और मिड डे की अगली ताजा खबर दल बदल राजनीति को लेकर आ रही है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर झारखंड से आए राष्ट्रीय जनसंघर्ष स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश में चल रही दल बदल राजनीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। और मिड डे की अगली ताजा खबर दिल्ली के जंतर मंतर से आ रही है, जहां कश्मीर में जवानों द्वारा चलाए गए पैलेट गन से जान जाने कश्मीर के स्थानीय नागरिकों ने राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया है। इस दौरान ईसाई धर्म के अध्यक्ष फिलिप क्रिस्टी ने अपनी मांगे रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ राजकुमार। वक्त हो चुका है दिल्ली के खास खबरों का और अभी हम लोग जंतर मंतर पे, जहां कश्मीरियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर जो यहाँ पे लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन दिया, कैंडल मार्च निकाला। हमारे साथ जुड़ेंगे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के जो है अध्यक्ष जी फिलिप क्रिस्टी जी, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है जो इन लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला और धरना प्रदर्शन किया। फिलिप क्रिस्टी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या वजह है जो है आज कश्मीर के लोग जो यहाँ पे जंतर मंतर? देखिए, कश्मीर का मसला ये एक राजनीतिक मसला है और आज हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये कश्मीरी आवाम के लिए, उनके अधिकार की बात करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि पिछले 25-30 सालों से कश्मीर के अंदर जो जमहूरियत का नाम दिखाया जा रहा है, वहाँ का जो युवा पीढ़ी है जो 25-30 साल में जो बड़ा हुआ है, उसको जमहूरियत का पता ही नहीं कि जमहूरियत होती क्या है। तो जब उनको अपनी जमहूरियत के बारे में पता ही नहीं तो वो अधिकार किससे मांगेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हम लोग हमेशा एक ही बात को कहते हैं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, मगर कभी हम इस बात को नहीं कहते कश्मीरी भाई बहन भी हमारे हैं। जब तक हमारे दिलों में ये बात नहीं आएगी कि कश्मीरी भाई बहन भी हमारे हैं, तभी जाकर हमारे एक सोच बनेगी उनके प्रति कि उनको कैसे अधिकार और उनको न्याय मिले। जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो हुई थी कि फोर्स के ऊपर जो पत्थरबाजी और लठबाजी जो है थे, जिसके कारण उसके गोला वाले, तो जब फोर्स के ऊपर ये चीज़ें हुई तभी जाके तो ये चीज़ें हुई। देखिए, फोर्स पर जो भी कुछ हुआ है उसको मैं बहुत बड़ा तुल नहीं देना चाहूँगा, मगर हमने एक तरफा बात ही दिखाई गई है वहाँ पर कि कश्मीरियों ने जो है फोर्स पे हमला किया है या पथराव किया है। असल में उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, वो जो आवाम है, जो वहाँ का नागरिक है, वो क्यों त्रस्त है, आखिर ऐसी वहाँ पर हादसे क्यों होते हैं या इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटती है, इसके पीछे कारणों पे हमें जाना होगा, तभी जाके हम समझ पाएंगे स्थिति को कि वहाँ पर ऐसी स्थिति क्यों बनती है। तो ये थी मिड डे न्यूज की कुछ ताजा खबरें और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप भी रह सके ऐसी ही खबरों से अपडेट।